गेट परीक्षा के संबंध में मैं कुछ ऐसी जानकारी मीडिया के सामने रखना चाहता हूं जिसको चाहकर भी एसओजी दबा नहीं सकेगी। और एसओजी बार बार ये कह रही है कि हम पे किसी प्रकार का दबाव नहीं है, लेकिन हाथ इतने बड़े हैं कि उन पर एसओजी उनकी तरफ निगाह भी नहीं डालेगी। इसलिए मैं बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं। रीट परीक्षा की दृष्टि से अपने राजस्थान में 33 जिले हैं, वैसे भी 33 जिले हैं, और हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला समन्वयक बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया। 33 जिलों में से 32 जिलों में कलेक्टर के बाद जो सेकंड अधिकारी होता है एडीएम, उसका वो जिला कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया, लेकिन जयपुर में, एकमात्र जयपुर में, जिसमें शहर भी है, जयपुर ग्रामीण भी है, एक प्राइवेट व्यक्ति डॉक्टर प्रदीप पारासर को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। ये रिटायर्ड लेक्चरर हैं और कभी इनका भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नाम चला था, और जारौली साहब जो इस समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर पारासर एक दूसरे में अत्यंत घनिष्ठ मित्र हैं, इसलिए बोर्ड के अध्यक्ष ने, जारौली साहब ने, जो हमको चुनौती दे रहे हैं, हमारा इस्तीफा मांग रहे हैं, अकेले प्राइवेट व्यक्ति को जयपुर का जिला कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया। इनके नीचे 4 डिप्टी कंट्रोलर बनाए गए, जिसमें डॉक्टर ध्यानचंद गोठवाल, डॉक्टर बीएस बैरवा, डॉक्टर सुभाष यादव, डॉक्टर रणधीर सिंह। इन चारों डिप्टी कंट्रोलर की भी विशेष जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन इनको बाईपास करके ये जो मैं नाम बता रहा हूँ, प्राइवेट आदमी, गैर सरकारी आदमी, डॉक्टर प्रदीप पारासर, इन्होंने 4 लोगों को नियुक्त किया मौखिक तौर पर। डॉक्टर प्रदीप पारासर के तो लिखित आदेश हैं, कौन बोल रहा है, डॉक्टर प्रदीप पारासर के तो लिखित आदेश हैं, लेकिन जिन 4 लोगों को नियुक्त किया वो प्राइवेट लोग हैं। इन्होंने परीक्षा केंद्र इन्होंने बुक की है प्राइवेट लोगों ने, जबकि सरकारी अधिकारी परीक्षा केंद्र बुक करता है। इनमें से जो 4 लोग हैं, उनसे 2 कर्मचारी तो एलबीएस कॉलेज के हैं और 2 कर्मचारी जयपुर के ही प्राइवेट स्कूलों के हैं, जिसमें एक प्राइवेट कॉलेज का बाबू भी है। शिक्षा संकुल स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्ट्रांग रूम में जयपुर जिले के पेपर लाए गए, और उक्त 2 व्यक्ति जो मैं आपको बता रहा हूं, उनके द्वारा उन पेपरों का उतारा गया, इस स्ट्रांग रूम में रखा गया, और उसमें से निकालते समय जब सेंटरों पर भेज रहे थे
तो एक व्यक्ति ने सील फाड़कर पेपर निकाल लिए, जिसकी शिकायत मैंने पिछली बार आपको एक हिंडौन की दी थी कि परीक्षार्थियों ने एक शिकायत वहाँ के सेंट्रल सुप्रिंटेंडेंट को दी थी कि पेपरों की सील फटी हुई है, लिफाफा की सील फटी हुई है। पेपर अनलोड के समय 24 सितंबर को बोर्ड के अध्यक्ष माननीय डीपी जारोली एवं प्रदीप पारासर शिक्षा संकुल में ही रहे थे, दिन में भी और रात में भी। यहाँ अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक ऑफिस है शिक्षा संकुल में, वहाँ से ये दोनों गैर सरकारी व्यक्तियों से इनकी मुलाकात हुई थी, जो वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में एसओजी को मिल जाएंगे। अब कोऑर्डिनेटर का क्या काम है? सेंटर बुक करना, जो प्राइवेट लोग बुक कर रहे थे, जिसे सरकारी अधिकारी कर्मचारी ही बुक कर सकता है। सेंटर पर परीक्षा की सामग्री पहुंचाना, जो प्राइवेट लोग पहुंचा रहे थे। ऑब्जर्वर नियुक्त करना, जो प्राइवेट लोगों ने नियुक्त किए। और पेपर अनलोड करना, पेपर लोड कर सेंटरों से वितरण करना। ये सारा काम जो जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी करना, जिससे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, वो ने करके इन दो प्राइवेट लोगों ने किया। इन्होंने जमकर धांधली की, सेंटर बुक करने में भारी पक्षपात किया और ऑब्जर्वर अपने चहेते नियुक्त किए। माननीय शिक्षा मंत्री जी, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी लिप्त पाया गया तो उसको हम सस्पेंड कर देंगे, सरकारी से नौकरी से निकाल देंगे, और कोई अगर स्कूल लिप्त पाई तो उनकी मान्यता निरस्त कर देंगे। अब इसमें जो आदमी ही प्राइवेट हैं तो इनके खिलाफ ये सरकार क्या कार्रवाई कर पाएगी, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन शिक्षा संकुल में स्वयं बोर्ड के अध्यक्ष जारोली एवं प्रदीप पारासन दोनों ने आपस में मिलकर शिक्षा संकुल के कार्यालय में एक संगठित ग्रोह के जरिए पेपर लीक किया है, जिसके प्रमाण मैं अगली पत्रकार वार्ता में प्रस्तुत करूंगा। क्या हो गया? किस्तों में दूंगा साहब, किस्तों में कागज रखेंगे, किस्तों में दूंगा। अब ये जो प्राइवेट लोग हैं, ये प्राइवेट आदमी जो हैं, जो चोर, जो पेपर चोरी में लिप्त हैं, जयपुर के तीन सेंटर हैं, और ये तीनों सेंटर आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है। ब्लैक लिस्ट करने के बाद में इनको परीक्षा का सेंटर बनाया गया, और ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी इनके कर्मचारियों को इस महत्वपूर्ण व्यवस्था में शामिल किया गया डॉक्टर प्रदीप द्वारा। अब मैं ये, अगर एसओजी काम करेगी, इनकी तरफ जाएगी, जो तीन सेंटर जयपुर के हैं इनकी तरफ पहुंच गई, जो प्राइवेट लोगों को अगर पहुंचने पकड़ने एसओजी सफल हुई तो बत्तीलाल भी आ जाएगा, वरना बत्तीलाल आने वाला नहीं, लक्ष्मणगढ़ वाला भी आ जाएगा और गंगापुर वाला भी गिरफ्त में आ जाएगा, और जारोली और डॉक्टर प्रदीप पारासर और वो आठ लोग जिस संगठित ग्रोह ने पेपर लीक किया है, कई जगह आंसर शीट दी हैं, वो उनके वो जेल के सखा शिक्षक होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और जब वो नाम उजागर करेंगे तो बड़े नाम सामने आएंगे, इसलिए मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, क्योंकि एसओजी उस स्टेज पर जाके इस प्रकरण को दबा सकती है।
एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, मुझे पता लगा इसलिए मैं आपके जरिए एसओजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर में हजारों ब्रॉडबैंड कनेक्शन 21 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में लगे हैं। सरकारी की एजेंसी अगर इनका डिटेल पूछताछ करेगी तो इनके पेपर लीक से कनेक्शन मिलेंगे। और ये जो झोटवाड़ा है, इस झोटवाड़ा में टाटा स्काई ने 25 सितंबर को रात के 10 बजे 10 कनेक्शन रिलीज किए हैं। इसी प्रकार की 10 दूसरी कंपनियों ने सैकड़ों कनेक्शन जयपुर में रिलीज किए हैं। तो जो नेटवर्क बंद किया वो सरकार की योजना इन्होंने विफल की है, और इनके जरिए बड़े पैमाने पर पूरे राजस्थान में पेपर गया है, पेपर बड़े पैमाने पर लीक हुआ है। अब शिक्षा मंत्री जी हमारे बारे में आरोप लगाते हैं कि मेरे को डांट दिया, अरुण सिंह जी ने इसलिए धरना समाप्त करके चले गए, और डॉक्टर केवड़ीलाल पलट गए। मैं पलट नहीं रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जिधर कदम बढ़ा देता हूँ उससे पीछे नहीं हटता। मेरा राज था जब भी मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाता था, और अब भी जब तक इसका खुलासा नहीं होगा मैं लड़ूंगा, जमीन पर लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा, फिर आंदोलन की रणनीति बनाऊंगा। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो एसओजी ने जो मैं आरोप लगा रहा हूं डॉक्टर प्रदीप का और जारोली का यहां पर मिलना, मिलकर प्राइवेट लोगों के हाथ में अति महत्वपूर्ण परीक्षा के पेपर पकड़ा देना, उनके द्वारा सील तोड़कर पेपर को निकाल लेना, और उनमें से ही एक ने बत्ती लाल को 15 लाख में पेपर उपलब्ध कराया है। बत्ती लाल जब पकड़ा जाएगा तो इन दो प्राइवेटों के नाम सरकार को जानकारी में एसओजी को मिल जाएंगे, और इसमें सीधा हाथ डॉक्टर प्रदीप का है जो रिटायर्ड लेक्चरर है, जिसको कोऑर्डिनेटर बनाया गया, और ये एक अनन्य मित्र है जारोली जी का। तो मैं आक्षेप लगाना चाहता हूँ, सीधा आरोप है, जारोली जी और डॉक्टर प्रदीप दोनों ने मिलके राजस्थान के 25 लाख छात्रों के बेरोजगारों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ की है। इसे सरकार पुनः इस परीक्षा को कराए और सीबीआई जांच कराए, वरना किस स्तर तक सरकार के हाथ झुलसेंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।